मित्रों, गुरु महाराज अपने आश्रम में अपनी गद्दी पर आ विराजे हैं। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ गुरु यानी बृहस्पति की अपने घर धनु राशि में आगमन की। गुरु अपनी धनु राशि में पूरे 12 वर्ष बाद घूमते फिरते आ रहे हैं। धनु धर्म की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में नवें भाव में धनु राशि पड़ती है, जो कि भाग्य और धर्म का घर है। तो गुरु का धनु राशि में गोचर हमेशा विश्व में खुशियां लाता है। अभी पिछले साल से लेकर इस साल पूरे एक साल जो गुरु का वृश्चिक राशि में गोचर हुआ, उसने हमें समस्याएं दी। खासतौर पर जब शनि भी धनु राशि में केतु के साथ मिलकर विषयोग बना रहे थे, तो इस पूरे साल हमने देखा कि इंडस्ट्री का, एम्प्लॉयमेंट का, धर्म का, धन का, शेयर मार्केट का कितना बुरा हाल हुआ। अब स्थितियाँ धीरे धीरे ईश्वर की दया से सुधर रही हैं। शनि भी मार्गी हो रहे हैं और अगले साल 24 जनवरी से अपनी मकर राशि में चले जाएंगे। गुरु महाराज भी मार्गी हो चुके हैं 11 अगस्त को और 5 नवंबर से अपनी राशि धनु में जाते ही सबका कल्याण करना शुरू कर देंगे। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र मूल, जो केतु जिसका स्वामी है, दूसरा पूर्वाषाढ़ा जिसके स्वामी शुक्र हैं, और तीसरा उत्तराषाढ़ा जिसके स्वामी सूर्य हैं। केतु के नक्षत्र मूल में जाने पर गुरु थोड़ा फंसा फंसा सा महसूस करते हैं, क्योंकि मूल जो है रूट्स को बोलते हैं। तो गुरु गद्दी पर बैठने वाले धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको रूट्स में जाके थोड़ी सी उलझन समस्या महसूस होती है। तो 4 जनवरी तक मूल में जब तक गुरु का भ्रमण होगा, तब तक धर्म धन संबंधी कुछ समस्याएँ खासतौर पर आएंगी। मंदी भी आ सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही 4 जनवरी से गुरु शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में चले जाएंगे, तो गुरु और शुक्र का समान स्वरूप होने से, दोनों बड़े ग्रह हैं, एक दैव गुरु हैं एक दैत्य गुरु हैं, दोनों ही हमें खुशियां देना चाहते हैं, दोनों ही हमारी समृद्धि चाहते हैं। तो दुनिया में समृद्धि आएगी, खासतौर पर जब शनि भी मकर राशि में 24 जनवरी को चले जाएंगे। फिर हमें अगले साल हर क्षेत्र में ग्रोथ ही ग्रोथ दिखने को मिलेगी। गुरु ग्रह भगवान का आशीर्वाद है, पृथ्वी वालों को ईश्वर का वरदान है। यह पुण्य, उदारता, धर्म व धन के ग्रह हैं, इसलिए इनका अपनी राशि में सुस्थान में बैठना हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में गुरु के गोचर के बारे में हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक क्या फल होगा उसकी चर्चा की थी। इस वीडियो में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि तक हर राशि का राशिफल क्या होगा अगले साल के लिए, उसकी चर्चा करेंगे। और राशि के वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत अच्छे उपाय दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तुला राशि, लिब्रा साइन। तुला राशि वालों के लिए तीसरे भाव में गुरु गोचर करेगा। बहुत अच्छी स्थिति तो गुरु की तीसरे भाव में गोचर की नहीं कही जा सकती, पर अगर कम्युनिकेशन या ट्रैवल के काम से जुड़े हैं तो फायदे में रहेंगे। वर्क प्लेस पर अपनी बात स्पष्ट रूप से कहिए, वह विवादों से दूर रहिए। छोटी बड़ी यात्राएं लगी रहेंगी। रेजिडेंस चेंज हो जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती दिख रही है। भाई बहनों का सहयोग दीजिए। थोड़ी सेहत की समस्याएं आ सकती हैं, व्यायाम करते रहिए। यहाँ से गुरु पांचवी दृष्टि से 7वें भाव यानी कि पत्नी के घर को देख रहे हैं। पत्नी से अच्छा सहयोग मिलता रहेगा। घूमने फिरने व लंबी यात्राओं पर साथ जाकर समय बिताने का अवसर मिलेगा। ऐसा अवसर हाथ से न जाने दें। वह पत्नी से खूब प्रेम करें, घर में भी इससे सुख शांति बनी रहेगी। सातवीं दृष्टि से गुरु नवें भाव को यानी भाग्य भाव को देखेंगे, तो पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। गुरु महाराज के चरण घर में पड़ सकते हैं, गुरु वंदना कीजिए। यहाँ से गुरु नवीं दृष्टि से 11वें भाव यानी कि धन भाव को देख रहे हैं। धन संबंधी शुभ समाचार मिलते रहेंगे, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा। पर 24 जनवरी से शनि 4थे स्थान पर आ जाएंगे, जिसे कंटक शनि भी कहा जाता है। कंटक यानी कांटा, तो 4था स्थान हृदय स्थान है। हृदय स्थान पर कांटा चुभने जैसा महसूस होता रहेगा। शनि की स्थिति से कुछ घरेलू बातों व काम से चिंतित रहेंगे, अनजाना भय भी सताता रहेगा और आप आलसी भी हो जाएंगे। तो तुला राशि वालों के लिए 24 जनवरी के बाद रुद्राभिषेक कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगली राशि आती है वृश्चिक, स्कॉर्पियो साइन। इन लोगों का तो दूसरे भाव यानी धन भाव से गुरु गोचर करेगा, इससे अच्छा तो समय हो ही नहीं सकता। शनि की 7.5 भी अगली 24 जनवरी से समाप्त हो रही है। जीवन का बेहतरीन समय शुरू हो रहा है। पुराना उधार मिल जाएगा, पर इस समय नया उधार न दें, वो वापस तो नहीं मिलेगा।
वाणी भाव पर बृहस्पति के गोचर से वाणी पर सरस्वती विराजेंगी। सोच समझ कर बोलें, जो बोलेंगे हो जाएगा। छठे व दसवें भाव जो काम धंधे के दो घर हैं, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए, उन पर गुरु की शुभ दृष्टि से नौकरी पेशा लोगों को बहुत अच्छा ग्रोथ का समय है। एजुकेशन या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होगा। सातवीं दृष्टि आठवें भाव पर होने से गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक अनुभव होंगे, साधना से जुड़े लोगों को आनंद मिलेगा। 24 जनवरी से शनि भी तीसरे भाव यानी कि मकर भाव में गोचर करने से आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए दूसरे भाव से गुरु का गोचर और तीसरे भाव से शनि का गोचर पूरा अगला साल ज़बरदस्त ग्रोथ का संकेत दे रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। धनु राशि सैजिटेरियस साइन, जन्म राशि या लग्न के ऊपर से गुरु का गोचर बदलाव लेकर आ रहा है। कुछ बदलाव इच्छा के विरुद्ध भी हो सकते हैं, पर आप उनसे लॉन्ग टर्म में फायदे में रहेंगे। गुरु के 12वें भाव में होने से स्वास्थ्य में पिछले एक साल से जो समस्या चल रही थी उसमें सुधार आएगा, क्योंकि गुरु अभी आपके जन्म राशि या लग्न राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। अभी तक जो आपकी राशि पर शनि की 7.5 और शनि केतु विष योग से उत्पन्न समस्याएं हो रही थी, ऊपर से राहु भी आपके 7वें स्थान यानी कि साझेदारी और पत्नी के घर के स्थान से गुजर रहा था, तो उससे लगातार उलझनें बढ़ रही थी, पर गुरु के लग्न पर भ्रमण करने से इन सारी समस्याओं में बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि गुरु शनि केतु को भी शांत करेंगे और राहु पर दृष्टि देकर राहु के उत्पात को भी कंट्रोल करेंगे। वहाँ से वो अपनी राशि की रक्षा करेंगे यानी कि आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही गुरु हैं। यहाँ से गुरु पांचवी दृष्टि से पांचवें भाव यानी कि संतान भाव को देख रहे हैं, तो संतान से लगी जो चिंता है वो भी दूर होगी। यहाँ से फिर गुरु सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को देख रहे हैं, तो पत्नी व बिजनेस पार्टनर से जो समस्याएं राहु के 7वें भाव में स्थिति से जुड़ रही थी और शनि की उस पर दृष्टि होने से जो राहु उत्पात मचा रहा था, उनमें काफ़ी सुधार होगा व चिंताएं दूर होंगी। गुरु 9वीं दृष्टि से 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव को देख रहा है, आपके धर्म कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी व चिंताएँ दूर होंगी। धर्म से संबंधित और भाग्य से संबंधित जो पेंच फंसते हुए दिख रहे थे उनमें भी काफ़ी सुधार हो जाएगा। अगर आप अपने गुरु की सेवा करेंगे या राशि के स्वामी विष्णु की आराधना करेंगे तो शनि की 7.5 जो अभी आप पर चल रही है उसकी तकलीफ़ों से आपको निजात मिलेगी। अब देखते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉन साइन से गुरु के गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु का गोचर आपकी राशि से 12वें हो रहा है, जो व्यर्थ के खर्चे व भाग दौड़ बनाए रखेगा। ऊपर से शनि की 7.5 भी चल रही है, पर 24 जनवरी नेक्स्ट ईयर से आपकी राशि के स्वामी के लग्न पर गोचर से कुछ स्थितियों में सुधार होगा। काम तो शनि बनाएगा पर गुरु उसमें ग्रोथ नहीं लाने देंगे। धैर्य बनाए रखें व भविष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करते रहें। आपके लिए यही कहा जा सकता है कि आज की मेहनत कल रंग लाएगी। व्यर्थ के वाद विवाद व लिटिगेशन से बचें। यह बिजनेस में एक्सपेंड होने का टाइम नहीं है, उसे कॉन्सोलिडेट करें। आप एकांत प्रिय हो जाएंगे, घर वालों से दूर लंबी यात्राओं पर जाना पड़ेगा। बीमारी बंधन व शक्तियों के व्यय होने का संयोग बन रहा है। अभी 24 जनवरी 2020 तक राशि स्वामी शनि भी व्यय स्थान में रहेंगे, जिससे प्रयास के बाद भी आपको मनमाफिक फल नहीं मिलेंगे, पर गुरु की 4थे भाव पर दृष्टि से घर में कुछ मांगलिक कार्य होंगे। आपकी कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। आध्यात्मिक बनने, दान पुण्य करने व गुरु सेवा करने से शांति मिलेगी। गुरु का जप व शनि की शांति आप पूरे अगले साल करते रहें, नहीं तो गुरु का यह गोचर आपके लिए कुछ खास अच्छा परिणाम नहीं देने जा रहा है। अब अगली राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस साइन पर गुरु के गोचर का क्या परिणाम होगा उस पर विचार करते हैं। 11वें भाव से गुरु का गोचर धन लेकर आ रहा है। हालांकि 24 जनवरी से शनि की 7.5 शुरू हो रही है, चिंताएँ आनी तो शुरू हो जाएंगी, पर पूरे साल गुरु का शुभ गोचर धन संबंधी परेशानियों से बचाता रहेगा। हालांकि अगले साल से आपका बेकार का घूमना व फालतू खर्चे होना शुरू हो जाएगा। शनि मस्तिष्क से 7.5 का प्रथम चरण शुरू करेगा, मन में बेचैनी आएगी व यूजलेस थॉट्स आती रहेंगे, पर फिर भी कुंभ राशि वालों के लिए शनि का की 7.5 बुरी नहीं होती है, क्योंकि शनि की अपनी राशि ही कुंभ है और शनि 7.5 के दो चरणों में अपनी ही राशि से गुजरता है यानी मकर और कुंभ से। स्वास्थ्य में
वैसे थोड़ा सुधार होगा, कुछ पुराना पैसा वापस मिलेगा। प्रेम विवाह व संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है, यह इच्छा पूर्ति का समय है। आप साझेदारी के काम भी शुरू कर सकते हैं, आपका सोशल सर्किल एक्सपेंड होगा। गुरु की सातवीं दृष्टि पाँचवें भाव, पाँचवीं दृष्टि तीसरे भाव व नवीं दृष्टि सातवें भाव पर होने से भाई बहन संतान व पत्नी से जुड़ा सुख पूरा मिलेगा। आपके लिए अगला पूरा साल कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। मीन राशि, अब हम मीन राशि पर बात करते हैं, यानी कि पाइसेज साइन। वैसे तो स्थान हानि करो जीवह सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि गुरु जहां बैठता है उस स्थान के फलों में कुछ कमी ला देता है। इस हिसाब से गुरु का आपके कर्म स्थान यानी दशम भाव से गोचर कार्यस्थल में नए चैलेंजेस देगा। तबादला भी हो सकता है, आप वर्क प्लेस पर बधा बधा सा फील करेंगे। पर अगर किसी गुरु व्यक्ति का साथ मिल गया, यानी अपनी नेटवर्किंग स्किल से अगर आपने अपने किसी सीनियर का सपोर्ट ले लिया, तो यही गुरु आपको प्रमोशन भी दिला देगा। मेहनत तो होगी पर परिणाम में लाभ ही होगा। पिछले दो सालों से चली आ रही समस्या दूर हो सकती है। शनि भी कर्म स्थान पर बैठा है, अगर मेहनत में कमी नहीं करेंगे तो शनि भाग्य में कमी नहीं होने देगा। तो यहाँ दो बड़े ग्रहों के गोचर का आपको साथ मिल रहा है। धन स्थान यानी द्वितीय भाव पर शुभ दृष्टि से धन के साधनों में बढ़ोतरी होगी। चतुर्थ भाव पर सातवीं दृष्टि से घर में सुख शांति बनी रहेगी। छठे भाव पर नवीं दृष्टि से अपने सबॉर्डिनेट्स का पूरा साथ मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, अचानक कोई स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मित्रों, मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं अंत में आपको बृहस्पति से जुड़े कुछ अनुभूत उपाय बताऊंगा, जिनको करने से बृहस्पति की समस्याओं में काफ़ी समाधान मिलता है। उनमें सबसे अच्छा उपाय है विष्णु की पूजा। बृहस्पति खुद विष्णु स्वरूप हैं, इसलिए जब भी आपकी बृहस्पति की गोचर में कुछ समस्या हो या महादशा अंतरदशा से संबंधित बुरे परिणाम आ रहे हों, तो आप विष्णु की शरण में जाएं। विष्णु की शरण में जाकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। बृहस्पति का पेड़ जो है, पौधा जो है खासतौर पे, वो है केले का पेड़। तो आप केले के पेड़ की पूजा बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। पीपल का पेड़ में आप जल डाल सकते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास माना गया है, खासतौर पे विष्णु का। तो आप पीपल के पेड़ में जल डालकर पीपल की सेवा कर सकते हैं। माथे पर या नाभि पर आप चंदन या केसर का तिलक लगा सकते हैं, इससे भी बृहस्पति को शांति मिलती है। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो से लेकर इस वीडियो तक हमने गुरु के गोचर के 12 राशियों पर फल क्या होगा उसकी चर्चा की है। इसके साथ साथ ही शनि से जुड़ा हमारा वीडियो ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल और इसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।